तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको जिस तरह का प्रोफेशनल यूट्यूब बैनर आप अपने मोबाइल में कैसे बना सकते हैं ओनली पिक्सल लैब ऐप की मदद से। तो देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितना अच्छा बैनर बना है। तो अगर आपको भी इस तरह का बैनर बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पिक्सल लैब ऑन कर दिया, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। तो अगर आपको पिक्सल लैब डाउनलोड करना नहीं होता तो आपको ये प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने न्यू टेक्स्ट जो ऑप्शन मिला हुआ है इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम बैनर बना रहे हैं तो इसका साइज सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम इमेज साइज पे क्लिक करके या कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पर हम यूट्यूब थंबनेल वाला सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डन कर देते हैं। ये करते हैं यहाँ पर फोर्थ वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर हम कलर पर जाकर यहाँ पर इसको कुछ इस तरह का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इसको ब्लैक से थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, इतना कुछ गिरे, यहाँ से इसको कर देते हैं डन। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हम फ्रॉम गैलरी पे जाकर यहाँ पर एक बैकग्राउंड की पिक्चर ऐड कर देते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं डन। ये करने के बाद आपको पिक्चर को छेड़ना नहीं है। यहाँ पर हम थर्ड वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर रिलेटिव साइज लिखा हुआ है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके यहाँ इसके विथ 100 करके यहाँ से इसको करते हैं डन। अब ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लेयर बार पर क्लिक करके ये लेयर को लॉक कर लेते हैं ताकि हमारा साइज हिले नहीं। अब ये कर देने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर जाकर एक पिक्चर ऐड कर देते हैं। पिक्चर ऐड कर देने के बाद दोस्तों जिस तरह यहाँ पर इसको हाफ क्रॉप कर लेता हूँ, यहाँ से इसको करते हैं डन। ये करने के बाद उसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको ड्रैग करके ताकि इस तरफ भी आ जाए, क्योंकि आप मोबाइल में देखिए आपका बैनर। यहाँ पर हम जाते हैं ऊपर, यहाँ पर हमें टू बैक वाला ऑप्शन नजर आएगा, उसको हम यहाँ टू बैक कर देते हैं। टू बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको कलर में जाते हैं। कलर में आने के बाद यहाँ से इसको इनेबल करके यहाँ प्लस वाले आइकन पर ये रेड हो जाएगा, आपको यहाँ से इसको कर देना है डन। और यहाँ से हम इसको भी लॉक कर लेते हैं। और यहाँ से इसको ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम शेप पर क्लिक करके यहाँ से शेप ऐड कर देते हैं और इसको यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको टू बैक करके यहाँ पर रोटेट में जाकर यहाँ इसके एंगल को 45 रख लेते हैं, यहाँ से इसको करते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों इसके साइज को हम एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह, साइज को एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको भी कर देते हैं लेयर बार पे क्लिक करके ये शेप वाली लेयर को भी लॉक करके यहाँ से इसको भी कर देते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस वाले पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाकर यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड कर देते हैं। लोगो ऐड कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको करते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम जाते हैं स्ट्रोक में, यहाँ स्ट्रोक पर जाकर इसको इनेबल करते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम शेडो में जाते हैं, यहाँ से इनेबल करके यहाँ से ब्लर रेडियस को 0 पे रख के और ऑफसेट एक्स को -4 कर लेते हैं, यहाँ से इसको करते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके हम टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पर इसको डबल टैप करके ये न्यू टेक्स्ट को क्रॉस करके यहाँ पर अपने चैनल का नाम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चैनल का टाइप ओके कर देते हैं, ये मेरे चैनल का नाम है जी एफ एडिट्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। ये कर देंगे दोस्तों हम इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर हम जाते हैं ए पे क्लिक करके यहाँ पर हम बी में जाते हैं बोल्ड मतलब, और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम स्पेसिंग में जाते हैं और उसके स्पेसिंग को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तकरीबन 20 21 के आसपास करके यहाँ से इसको करते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। और ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कलर में जाते हैं, कलर में आने के बाद यहाँ से इसको इनेबल करके यहाँ पर हम एडिट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको रेड कलर सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कर देते हैं डन। फिर जी एफ को हम वाइट ही रखते हैं। अब ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम जाते हैं शेडो में, शेडो में आने के बाद इसको इनेबल करके यहाँ पर हम इसके ब्लर को 0, इसके ब्लर को 0 ही रखते हैं और इसके ऑफसेट एक्स को यहाँ पर हम 11 कर देते हैं और यहाँ से इसको करते हैं डन। अब ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लेयर बार पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट वाले लेयर को हम लॉक कर देते हैं, यहाँ पर टैप करके लेयर बार हटाते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम प्लस आइकॉन पे क्लिक करके हम फ्रॉम गैलरी पे जाकर एक इंस्टा फेसबुक के आइकॉन की PNG ऐड कर देते हैं और यहाँ से इसको करते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके साइज को एडजस्ट करके लगा लेते हैं। ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके कलर को चेंज करने के लिए थर्ड वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर कलर में जाते हैं, यहाँ से इसको इनेबल कर देते हैं और यहाँ से इसको वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं डन। ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम शेडो में जाते हैं, यहाँ शेडो में जाते हैं, यहाँ से इसको इनेबल करके यहाँ से इसकी ब्लर रेडियस को 0 रख के इसकी ऑफसेट एक्स को यहाँ पर 5 कर लेते हैं और यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करके यहाँ से इसको भी कर देते हैं डन। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लेयर बार पर क्लिक करके आइकॉन वाली लेयर को भी लॉक कर देते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं, इस पर डबल टैप करके यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, यहाँ से इसको करते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके साइज़ को छोटा कर लेते हैं और इसके फ़ॉन्ट को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं फ़ॉन्ट में जाता हूँ इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह, यहाँ से ओके कर देता हूँ
और यहाँ पर हम जाते हैं पोजीशन पे और यहाँ पर इसकी मूव बाई को बढ़ा कर यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे आइकॉन पे क्लिक करके नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर बराबर कर लेता हूँ इसकी अमाउंट को कम करके कुछ इस तरह इसके साइज़ को सही से एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा और कम करके यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ से इसको कर देता हूँ डन। अब ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने जो न्यू टेक्स्ट लिया हुआ था पहले इस पर डबल टैप करते हैं और यहाँ पर इसको क्रॉस करके अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन टाइप कर देता हूँ मैं। ये करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और सही से एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम यहाँ पर साइज़ पे क्लिक करके इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा ही कर लेता अपने हिसाब से और यहाँ से इसको कर देता हूँ डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम पोजीशन पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट साइड पे मूव करा देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, उसको मूव बाई को 5 पे रखते हैं इसको ऊपर करके तो थोड़ा यहाँ से इसको कर देते हैं डन। अब ये करते हैं एक बार यहाँ पर हम प्लस वाले कैन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पे जाकर एक PNG एड कर देते हैं, ये कर देंगे यहाँ से इसको हम कर देंगे डन। डन करने के इसको साइज को छोटा करके कुछ इस तरह यहाँ लगा लेते हैं, इसके कलर को वाइट ही रखते हैं और यहाँ से हम इसके थर्ड वाले कैन पे क्लिक करके यहाँ इसके कॉपी ले लेते हैं और यहाँ क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन वाले पे क्लिक करके इसको फ्लिप कर दें, यहाँ से इसको करते हैं डन और कुछ इस तरह यहाँ लगा के यहाँ पर हम कलर में जाते हैं, यहाँ से इसको कर इनेबल करके यहाँ रेड कलर सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कर देते हैं डन। अब ये करते हैं इनको दोस्तों यहाँ पर हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाते हैं और यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड कर देते हैं और इसके साइज़ को छोटा करके कुछ इस तरह यहाँ एडजस्ट कर यहाँ कर लेते हैं एडजस्ट। ये करते हैं इनको दोस्तों यहाँ पर हम शेडो पे क्लिक करके इनेबल करके ब्लर रेडियस को 0 रख के यहाँ पर हम इसकी ब्लर ऑफसेट एफ को +4 कर देते हैं और यहाँ से इसको करते हैं डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम फ्रॉम गैलरी पे जाते हैं और यहाँ पर एक शेडो PNG कर देते हैं, यहाँ से इसको डन कर देते हैं और ये PNG से आपका बैनर बहुत अच्छा लगेगा। इसको हम साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं, इसके इसको ये पॉइंट वाला उठा के कुछ इस तरह यहाँ लगा लेते हैं, ये कर देंगे और दोस्तों यहाँ से उसको करते हैं डन। ये कर देंगे लेयर बार पे क्लिक करके यहाँ पर सारी लेयर को लॉक कर देते हैं। अब ये कर देंगे यहाँ पर जो हमने पहले बैकग्राउंड लिया था इसको हम अनलॉक करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लेयर बार पे क्लिक करके हटा के यहाँ पर हम यहाँ सेव वाले आइकॉन पे क्लिक कर सेव एज इमेज कर देते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट को PNG कर देते हैं और इसके डायमेंशन को अल्ट्रा पर रख के यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेते हैं, ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा और ये हमारा बैनर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल हो। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।